रेलवे के खिलाड़ियों के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान की घड़ी आ गई है। यह है सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा का दौर गुजरना पड़ेगा रेलवे के खिलाड़ियों को। रेलवे के सारे खिलाड़ी इस समय एक ऐसे दौर से गुजरने जा रहे हैं जो इनके जीवन का सबसे बड़ा चुनौती का पल होने जा रहा है, चुनौतीपूर्ण पल। और जैसा कि पुरुष वर्ग का पहला मैच और इस तरह से टॉस होने जा रहा है, देखिए दोनों टीमें बहुत ही अच्छी टीमें दिख रही है। ये पड़ोस की टीम है, ये युवा खिलाड़ी है और जहां पर मेरठ की टीम कही जाती है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका और बहुत दूर से चल करके आए उनका मेरे को नियुक्त किया जाए। और इस तरह से मैंने टाजिक का चॉइस कोड लिया है, पहली सफलता उनको अर्जित हुआ है बेरवाई को। टाइम 20 मिनट का दिया गया और रेडर ने अपने कदम को रखा, प्रवेश किया और अपने परफॉर्मेंस को जारी रखा। देखिए क्या होता है और इस तरह से प्रयास किया, वहीं पर बेरवाई के खिलाड़ी बहुत चुस्त और दुरुस्त। 1 पॉइंट मिला मेरठ को, इस तरह से 1 पॉइंट के साथ मेरठ ने अपने खाता खोल दिया। व्हाइट बोर्ड पर 1 अंक अर्जित किया है, वहीं पर बेरवाई का रेडर रेड करते हुए अंक की तलाश में बहुत चुस्त और दुरुस्त और अपने अंगों को इधर उधर फूर्ती तब्दील करता हुआ पूरा मेरठ का खिलाड़ी नौजवान। देखिए उनमें क्या कौशल है, क्या प्रतिभा है और इस तरह से चलता हुआ मैच सभी दर्शक बैठे हुए खेल आनंद लेते हुए इस तरह से अभी बेरवाई का व्हाइट बॉल पर कोई अंक अर्जित नहीं हुआ है। और ये देखिए लंबाई में कम लगी, बिल्कुल बहुत तेज और तनाक जिसे कहा जाता है, देखने में छोटे लगे भाव करें तो गंभीर, उनका ऐसा ही उदाहरण लेकिन सकारात्मक नहीं रहा। बुरा अंक की तलाश में और अपने लेग को कहीं हैंड को फैलाते हुए टच करना चाहे लेकिन उतने ही अच्छे चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी बेरवाई के। और इस तरह से भर हुआ है खिलाड़ी रेड के व्हाइट बोर्ड पर आयोजित, तो वहीं पर मेरठ के बोर्ड पर एक और इस तरह से टेकअप लिया गया सुपर टेकअप। बिल्कुल बहुत शानदार कैच किया, मानना पड़ेगा कि काबिल तारीफ, बेहतर कैच। अनुभव को अपने बिखेरते हुए और बहुत अच्छा लेकिन सफलता होकर हार ना लगी। 3-2 और 1 के बीच मैच चलता हुआ वही पुराने खिलाड़ी जीत पहुंचे तो अंदाज में देखिए अपने हाथ पर मिले और पे और आवाज इसमें।
इतेंद्रनाथ उपाध्याय आप पैरपुर के निवासी हैं, आपने 5 रुपए का सहयोग किया है, हमारी कमेटी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो निश्चित रूप में कहना चाहता हूँ मुस्तफा सर जी, इस वेरी लार्जेस्ट टूर्नामेंट जहाँ दिस इज द दिस ग्रेटेस्ट टीम आर प्लेइंग बिटवीन इन दिस कोर्ट। Where is your mic sir? Where is your mic? Okay, okay, sir. Okay, okay. Okay, okay. तीन और दो के बीच मैच है, वो भी हमारे ही आपके हैं, बाहर से आए से क्या होता है, हमारे आपके पीछे आए हैं ना, तो दोनों टीमें बराबर हैं। ये दोनों टीमें बेसिकली बदले गए भाई, केवल खेल की प्रतिभा को देखना है, किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी को बढ़ावा नहीं देना, केवल आप देना है तो खिलाड़ी को देना है प्राथमिकता। और इस तरह से दो अंक और प्लसवा जाकर के मेरे पहुंचे तीन अंकों पर, इस तरह से दो अंक माइनस के रूप में वही प्लस के रूप में मेरठ। दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, देखिए उनके कला, उनके प्रतिभा, उनके पास क्या अनुभव है। और इस तरह से 5 और 3 के बीच में चलता हुआ खुला है रेडर हेलमेट के ग्राउंड पर रेड करते हुए आगे को। सर एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये टूर्नामेंट जो जेंट्स की टीम खेल रही है, यह पहला मुकाबला है जेंट्स का, और इस राजस्थानी टूर्नामेंट का एक गौरव का पल है कि हमारे आपके बीच दूर दूर की टीमें आकर के हमारे आपका मनोबल बढ़ा रही है और यहाँ की युवाओं की प्रेरणा बन के आई है। ये वास्तव में बधाई के पात्र है। तो इस टूर्नामेंट में उनके लिए जो उन्होंने आपके आगे दूर परफॉर्मेंस किया कर रहे हैं, वास्तव में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर रेड भाई। ये छोटे कद के फले हैं लेकिन इनका लगता है कि जो कला का प्रदर्शन है वास्तव में अद्वितीय है, निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया रनिंग रनिंग रेड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मेरा खिलाड़ी आ गया है मैदान पर, चार ठोक करके 4 नंबर का खिलाड़ी विनीत रेड। यहाँ बेलवाई के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है, इनके जीवन का सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा का दौर से गुजरना। ये देखे हिम्मत दिखाई, पाल लगभग पकड़ में आ भी गया था, लेकिन बाकी के तीनों खिलाड़ी सतर्क नहीं थे, सजग नहीं थे, जिसकी वजह से हाथ आया मौका चला गया। और अब हेलो ढाई करो या मरो, 8 पॉइंट मेरठ, भिलवाई का पॉइंट इस समय है 3। भिलवाई का ये खिलाड़ी अपनी कला दिखा लेना चाहता है मैदान पे, आगे घेराव में ऐसा चक्र बांधा गया कि उससे बाहर नहीं आ पाए, घेराव में आ गया, ऐसी चक्रव्यूह रचना की गई इनके खिलाफ कि फंस करके रह गए, पकड़े गए। और पॉइंट आगे बढ़ा मेरठ का, इस मिले पॉइंट के साथ ही मेरठ का पॉइंट हुआ, देखते ही देखते अब 8 पे भिलवाई का पॉइंट, बेलवाई है केवल 3। मेरठ के खिलाड़ी तैयार, क्या ये अंक ले पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। और ये गए रास्ता बनाते हुए मेरठ के दर्शक आप चाहें वो भी है जरूरी है, क्या जो बड़े हैं ये छोटे लोग हैं आप, ताकि और उत्साहित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए बहुत ही सटीक जवाब देते हैं जी सर। सर अगला मुकाबला जो होगा वो संत यदुनाथ थिएटर कॉलेज धरेछवा और ओम साई प्रतापगढ़। धन्यवाद जानकारी के लिए। लास्ट एक मैच है तो कोर्ट नंबर 2 पे परफॉर्म करवाएंगे, बिल्कुल फिर भी अगली जो टीम के जेंट्स कॉस खेलेंगे। धन्यवाद। और आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से मंचस्थ हो चुके हैं माननीय राजेश सर, ये फिर से आ चुके हैं इस कबड्डी टूर्नामेंट को ऊंचाई प्रदान करने वाले अनिल सिंह साहब, राजेश सर साहब यहाँ पर दोनों ही हमारे कर्धार इस कबड्डी टूर्नामेंट के यहाँ पर पूरे मजबूती के साथ यहाँ पर उपस्थिति अपना दर्ज करा चुके हैं। मैं स्वागत करता हूँ फिर से तैयार। और ये देखिए ताकत दिखाई, पैर फैलाया और अब कामयाब हो जाएंगे, क्या कोशिश की यहाँ पर काफी तारीफ
या पॉइंट प्राप्त करने में इस खिलाड़ी का, जिसने एक पॉइंट नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा संदेश लेकर आया है उत्साह का और मजबूती का। चार जलवाई मेरठ का पॉइंट इस समय जा पहुंचा है 13 पे। मेरठ और जलवाई के बीच चल रहा है मुकाबला। ये देखिए मेरठ और बेलवाई के बीच चल रहा है मुकाबला। आइए महाकाल के साथी से जान लेते हैं उनकी राय, आप किस टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, प्लीज गिव योर ओपिनियन, किस टीम को चाहते हो जीते। हम किसी के सपोर्टर नहीं है। ऐसा क्यों? ये सब अपने हैं, सब अपने हैं, इतने का पूरी धरती। और मैंने महाकाल के साथ पूरी धरती मालिक की बनाई हुई है, पेड़ आसमान सब, मैं सभी तारीफ करता हूं। और तैयार यहां पर रेड करने के लिए, डू आर डाई, करो या मरो, ये परिस्थिति है, ये प्रक्रिया चल रही है मैदान पे। ऑन है, अंडर वे, उछल कर वापिस आए, लिखा हुआ है बात पर खिलाड़ी नंबर एक। कंपेयर में सारी टीम कोई कहीं कहीं कमजोर नजर नहीं आती बेलवाई की, आप फील करिए। बिल्कुल अपने स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है, समझ रही है। वेरी विल गेट जी बेस्ट, जहां चाह वहां रहा, बिल्कुल जहां चाह वहां रहा। क्या बात है, इतना अच्छा प्रदर्शन है कि अब लग रहा है इनाम आ ही जाएगा, अब पुरस्कार आ ही जाएगा। सर सर पुष्पा सर जी, अभी पवन जो रेडर थे, विशेष रूप से हमारे जो मुख्य आयोजक भाई अनिल प्रताप सिंह अंकल जी, ₹500 का पुरस्कार दिया है, ₹500 को इंस्पायर करके उनका हौसला बढ़ाने के लिए जिन्होंने ₹500 का पुरस्कार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। खिलाड़ी संघर्ष कर रहा है मेरठ के साथ खेलते हुए मैदान पे, एक तरफ मेरठ जिसने पूरे भारत का दौरा किया है बतौर कबड्डी खिलाड़ी, और दूसरी तरफ बेलवाई जिसको ज्यादा अवसर नहीं मिला है अपने कला को दिखाने का। तो दोनों टीमों के बीच संघर्ष चल रहा है, वास्तव में भारत तो बहुत। ये देखिए किस तरीके से जब ये दौड़ लगाते हैं तो भद्दर बस्ती है, ये देखिए कोशिश ये किनारे की तरफ अंदर तक जा रहे हैं, खतरे में वापिस गए, अंक प्राप्त। निर्वाचित प्रधान ऑफ करोड़ा ₹500 का पुरस्कार दिया है, तो ये बहुत ही सारा, कितना है पुरस्कार, ₹5, कितना है ₹5, नहीं सर ₹500 है। अच्छा, लो सर ₹5 कहने हैं, नाउ डैम देयर इज नो वैल्यू ऑफ द ₹5 सर, आई ₹500। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी को, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बेलवाई के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की कीमत करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है ₹500 का पुरस्कार देकर। टाइम की अगर बात करें तो 3 मिनट और बाकी रह गया है, लेकिन पॉइंट ज्यादा नहीं बढ़ पाया है बेलवाई का, केवल 6 है, मेरठ का पॉइंट एक तरफा है 16। ये देखिए मेरठ के खिलाड़ी अकेले पॉइंट लेकर चला जा रहा है, कोई बाधा। ये देखिए ये जो कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा है, जहां पे लगातार हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, स्क्रीन लगाई गई है मैदान पे चारों तरफ, तो आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। आप ऊपर देखिए आसमान की तरफ, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है इस कबड्डी टूर्नामेंट की। सर पे मंडराता हुआ ड्रोन कैमरा, ये देखिए ड्रोन कैमरा आपके सर के ऊपर। हेलो सर, कंपेयर करिए कितना डिफरेंस है, लेकिन हौसला कितना तगड़ा है, देखिए पॉइंट लेके आए सर, बहुत ने पास है और ये तो क्या एकता में शक्ति होती है, जैसे आप देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, तो वो यहाँ पर शक्ति दिखाई, एकता की शक्ति नजर आई, उसका प्रदर्शन नजर आया कि नाक पर दम कर दिया है बेलवाई के खिलाड़ियों ने मेरठ के साथ खेलते हुए कबड्डी टूर्नामेंट में। ये देखिए जैसे ड्रोन कैमरा करीब आया, बच्चों ने बिल्कुल, ये देखिए आप शोर शराबा मचा दिया है बच्चों ने, हेलो सर, सर अगर कोई अजूबा कार्य करता है तो इनामों की बरसात होती है,
तो हमारे जो बड़े भैया आजमगढ़ से नदी चल के आए हैं ब्रजेश यादव, आपने पहले की टीम के नजारे को प्रदर्शन पर खुश होकर 1,000 रुपए का इनाम दिया है, 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। फिर से नाम बता दीजिए बड़े भाई के जो आजमगढ़ से चल करके आए हैं। अच्छा कारोबार है, अच्छा बिजनेस है, और आज आप खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए उनको आप यहाँ पर पुरस्कृत कर रहे हैं। टाइम समाप्त होने पर एक तरफा मुकाबले में मेरठ ने सफलता